नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आपके साथ मैं अमन कुमार, हमारे साथ भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य हैं। सर, आज 11वां अधिवेशन भवन हो रहा है, क्या कुछ उद्देश्य रहेगा इस अधिवेशन में? देखिए, महाधिवेशन तो हर 5 साल बाद ये पार्टी की एक तरीके से एक बहुत गहरी समीक्षा होती है और 5 साल बाद हम बिहार में कर रहे हैं, लेकिन आज जो देश की परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखते हुए हमने इस महाधिवेशन को सिर्फ एक आंतरिक सांगठनिक कार्यक्रम नहीं रखा, हमने इसको आज के पूरे मुद्दों से और आज की जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसके साथ जोड़ा। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि बड़ी रैली हो रही है, बिहार के हर कोने से लोग आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं वो लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ नारे के साथ। कल एक उद्घाटन सत्र होगा जिसमें हमने देश के तमाम वामपंथी दलों को इन्वाइट किया है ताकि एक मजबूत वामपंथी एकता का संदेश जाए। 17 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का एक सत्र होगा जिसमें दुनिया भर में इस समय लैटिन अमेरिका में फिर से वामपंथी ताकतें लौट के आ रही है, तो हम वहाँ चर्चा करेंगे उस पर। और 18 तारीख को लोकतंत्र बचाओ कन्वेंशन होगा जिसमें नीतीश जी को भी आना है, तेजस्वी यादव जी को भी आना है, हेमंत सोरेन को आना है, सलमान खुर्शीद साहब रहेंगे, तिरुमा बलवन रहेंगे, जीतन राम मांझी जी रहेंगे, और हमें लगता है कि इससे पूरे एक विपक्षी एकता की प्रक्रिया जो बिहार से लेकर के पूरे देश भर में तेज होगी। सर, ये कहा जा सकता है कि 24 की तैयारी अभी से ही भाकपा माले कर रही है? अभी से ही हमें लगता है कि पूरे देश में, क्योंकि पूरे देश के लिए 24 एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर ये मोदी सरकार से छुटकारा नहीं मिला 24 में तो देश में जो भी बचा कुचा लोकतंत्र है वो भी नहीं बचेगा। तो इसीलिए जो भी लोग लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, देश की भलाई चाहते हैं, हमें लगता है कि ऐसे तमाम लोग अभी इसी तैयारी में जुट जाएंगे कि 2024 में ये जो जिस तरह से पिछले 9-10 साल से, क्योंकि मोदी सरकार एक तरीके से तबाही का दूसरा नाम है, हर तरह से आर्थिक रूप से देश तबाह हो रहा है, सामाजिक रूप से तबाह हो रहा है, तो देश को तबाही से बचाना ये देश के तमाम देशभक्तों के लिए काम है, तमाम नए पसंद लोगों के लिए काम है, और इसीलिए तो हम लोग 2023, अब तो ज़्यादा समय भी नहीं रहा, तो पूरी तैयारी हम लोग तेज से करेंगे। क्या एजेंडे रहेंगे सर, क्योंकि आप लोग रोजगार की बात करते हो, तो आप लोगों के पास क्या विजन रहेगा 24 में? जनता के बीच जाइएगा तो क्या विजन लेंगे? बिल्कुल, हमें रोजगार तो सरकार की जो नीति है, जो अदानी अंबानी परस नीति के चलते आज देश की क्या स्थिति हो रही है हम देख रहे हैं, तो ये कॉरपोरेट परस्ती का रास्ता ये रोजगार को देश में ख़त्म कर देगा। इसलिए हम चाहते हैं कि नीतियाँ बदले और व्यापक रोजगार, अगर शिक्षा पर, हेल्थ पर सरकार अगर इस पर एम्फेसिस बढ़ाएं और हम इस पर गारंटी करें कि लोगों को शिक्षा का अधिकार मिले, सबको आवास का अधिकार मिले, सबको हेल्थ का अधिकार मिले, तो उस अधिकार की गारंटी करने के लिए भी हमें इतने बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट लेने होंगे, सर्विस लेने होंगे जिसमें लोगों को काम मिलेगा। दूसरा, हम समझते हैं कि भारत के लिए ज़रूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ जो MSME सेक्टर है, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, या जहां भी कम ऑटोमेशन हो, लेबर इंटेंसिव हो, ऐसे तमाम इंडस्ट्रीज पर हमें विशेष जोर देना होगा। बिहार में सर देखने को मिलता है कि जो पढ़ाई को लेके जो डिग्रीज है वो 5-5 साल में मिलते हैं, छात्र काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं, ऐसे में क्या बात? बिल्कुल, हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, चाहे क्वेश्चन पेपर लीक का मामला हो, परीक्षा में कोई अनियमितता हो, भर्ती में अनियमितता हो, उसमें देर हो, ये सब हमारे लिए भी चिंता की बात है, और इसीलिए हम तो कहेंगे कि जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन भी चले और आंदोलन का दबाव सरकार भी महसूस करे, और सरकार से इसीलिए हम लोगों ने सरकार में शामिल ना हो करके हमने कहा कि हम पुल का काम करेंगे, संवाद की इसको प्रक्रिया को बढ़ाएंगे और जो मुद्दे हैं ये सरकार के पास पहुंचाएंगे। एक अंतिम सवाल है सर कि BBC पे कल छापेमारी हुई है, उस पर क्या कहेंगे? ये बहुत गलत हुआ है, मीडिया अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ, और ऐसे समय में जब भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिले और हम कहते हैं कि दुनिया में हम सबसे मजबूत लोकतंत्र हैं, तो एक लोकतंत्र में अगर इसी तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ बात करते हैं, बर्ताव करते हैं, या अदानी प्रकरण पर भी जो सरकार की चुप्पी है, किसी तरह के जांच से सरकार पीछे भाग रही है, ये सब कुछ हमें लगता है भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को धूमिल कर रहे हैं। देखिए, भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य थे जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टाइम्स। पटना से अमन कुमार।